मध्य प्रदेश की मदद के लिए आगे आया यूपी। टीकमगढ़ शहर के लिए पानी देने वाली मांग को यूपी सरकार ने स्वीकार किया। मोहन यादव ने खत लिखकर सीएम योगी से अनुरोध किया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द आरएसएस चीफ मोहन भागवत से कर सकते हैं मुलाकात। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हो सकती है बात। इन दिनों गोरखपुर के दौरे पर है मोहन भागवत। आज दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री के सभास्थल का करेंगे निरीक्षण। 18 जून को प्रस्तावित है प्रधानमंत्री का दौरा। मुंबई में आज महाराष्ट्र बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक। मीटिंग में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और प्रमुख वन संरक्षक के साथ बैठक की। जंगलों में लगी आग पर जल्द से जल्द काबू पाने का निर्देश। लोकसभा चुनाव में हारने पर बोली बीजेपी नेता नवनीत राणा का, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद की शपथ ली तो मैं हार कर भी जीत गई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एयरलाइंस के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किया। कहा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जल्द ही होगा चालू। केजरीवाल की तरफ से दायर जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। राव जमनी कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है केजरीवाल। वैभव कुमार की तरफ से दायर जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। वैभव पर स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप लगा है। कश्मीर में खीर भवानी मेले के लिए रवाना हुए कश्मीरी पंडित। मेले में इस बार 5,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित हिस्सा लेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तटीय क्षेत्र का निरीक्षण किया। मौके पर अधिकारियों को उचित निर्देश भी दिए। एमपी के रीवा में गौवंश प्रार्थना और जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन। प्रोग्राम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शिरकत की। ओडिशा के भुवनेश्वर में बदला मौसम। कई जगहों पर हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। ओडिशा के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बानपुर का दौरा किया। मौके पर मां भगवती मंदिर में दर्शन किए, भगवान का आशीर्वाद भी लिया। मुंबई में विजय संकल्प मेला कार्यक्रम का आयोजन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम में शिरकत की। मौके पर आए लोगों को संबोधित भी किया। चेन्नई में करुणानिधि शताब्दी समारोह का समापन हुआ। कार्यक्रम में मंत्री अंबिल महेश ने भी शिरकत की। मौके पर मौजूद रहे कई गणमान्य लोग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुंडिया गांव का दौरा किया। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रतिमा का अनावरण भी किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात महानगर पालिका और नगर पालिका चेक वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। मौके पर मौजूद लोगों को दिया भाषण। राधा रानी पर टिप्पणी कर बुरे फंसे कथावाचक प्रदीप मिश्रा। संत समाज में देखने को मिला भारी नाराजगी। लोगों ने एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अयोध्या का दौरा किया। धूप में 24 घंटे काम कर रहे पुलिस बल के लिए जाहिर की चिंता का। पार्लियामेंट में ड्यूटी का मुद्दा उठाने की कही बात। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी। कई अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। आज भी कार्रवाई जारी रहेगी। अमेठी में नीट परीक्षा के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ शहर में तेज रफ्तार का कहर। कार की चपेट में आने से एक महिला की घायल हुई है। महिला को कार के ड्राइवर ने अस्पताल में भर्ती कराया। रूस में पढ़ने वाले 3 छात्रों के शव पहुंचे मुंबई। नदी में डूबने से हुई थी मौत। डिब्रूगढ़ जेल में बंद कैदी की मौत। परिजनों को सौंपा गया शव। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के रायबरेली में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था को परखा। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। मध्य प्रदेश के रायसेन में आदमखोर टाइगर पकड़ा गया। फॉरेस्ट के जवानों ने डीएफओ के साथ रेस्क्यू किया। यूपी के मैनपुरी में पेयजल की समस्या से जूझ रहा है नगर पंचायत वेबर। कई इलाकों में नहीं पहुंच रहा है पानी। यूपी के शाहजहांपुर में हीट वेव से मचा हाहाकार। पारा 45 के पार।
मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिनों का अलर्ट। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के बहराइच में उधार की रकम मांगने पर जमकर मारपीट हुई, रिश्तेदारों ने लाठी और डंडों से जमकर पीटा। यूपी के बुलंदशहर में 4 अवैध कॉलोनियों पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। यूपी के एटा में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश रफी गिरफ्तार, बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के रायबरेली में युवक का शव कुएं से बरामद, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के झांसी में पत्थर के हमले में स्ट्रीट डॉग की मौत, सोशल मीडिया पर मौत का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बहराइच में 20,000 की रिश्वत लेते डाक सहायक गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया है। यूपी के रायबरेली में गर्भवती महिला से दबंगों ने मारपीट की, गर्भवती महिला के बच्चे की मौत हुई। यूपी के बलिया में आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के बावजूद महिला से की गई पैसों की मांग, पैसे नहीं देने पर महिला को बनाया गया बंधक।